एलजेपी में पद और पावर को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच खींचतान लगातार जारी है। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और चाचा को अपना दमखम दिखाया। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए। वहीं बैठक के दौरान चिराग ने दावा किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% से ज्यादा सदस्य उनके साथ हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने बताया कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने के लिए बैठक में बागी सदस्यों की निंदा की गई, साथ ही साथ उनसे पार्टी सिंबल का इस्तेमाल न करने की भी बात कही गई है। साथ ही चिराग पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन यानी कि 5 जुलाई से पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यात्रा के दौरान चिराग पासवान बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और जन समर्थन जुटाएंगे। चिराग पासवान ने राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आप यात्रा पे निकलेंगे हाजीपुर में। हाजीपुर को क्यों चुना? क्योंकि वहीं से पशुपति पारस जो हैं सांसद भी हैं और आपके पिता की तो कर्म भूमि रही, 8 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। मेरे पिताजी की कार्य काल से रही है। मुझे खुशी और मुझे गर्व है कि देश भर में, दुनिया भर में हाजीपुर को पिताजी की वजह से और पिताजी को भी हाजीपुर की वजह से, क्योंकि दो बार उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने वहीं से बनाया और उन्हीं की वजह से हाजीपुर की पहचान और उनकी पहचान हाजीपुर से बनी। तो इसीलिए उनकी कर्म भूमि होने की वजह से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से करने का मैंने फैसला। ये महाभारत लोग कह रहे हैं पारिवारिक महाभारत, तो इसमें जीत किसकी होगी? चिराग दिया जला पाएंगे बिहार में? क्योंकि आपने तो लंबी यात्रा की थी, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में कवर भी किया था, और पार्टी किसकी होगी? किसी भी महाभारत में जीत मुझे लगता है सिर्फ सच्चाई की होती है, और जो सच्चा होगा, जो ऑनेस्ट होगा, उसी की जीत होगी। मेरा विश्वास, मेरे तमाम साथियों का विश्वास हमें अपने ऊपर है कि जिस सच्चाई के साथ हम लोग पापा की बनाई हुई इस पार्टी को आगे लेकर जाने का हम लोग कार्य कर रहे थे, बिना उनके सिद्धांतों के साथ कोई समझौता किए हुए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता का भी समर्थन हम लोग के साथ। बिहार की जनता का समर्थन चिराग पासवान को मिलेगा, ये उम्मीद है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद। और ऐलान कर दिया है चिराग पासवान ने कि 5 जुलाई से वो बिहार की यात्रा पे निकलेंगे और जन समर्थन और पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाएंगे और जीत सच्चाई की होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।